हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए चेतन मलिक एंड मैं आपके सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूँ। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। सी ए इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मीनगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुँच रही है, आप प्लीज़ इसको एन्जॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं सी ए इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, बातें बंद करो, बातें बंद कर दो। रेजिडेंशियल स्टेटस का होमवर्क किया नहीं किया? दूसरा सवाल, हुआ या नहीं हुआ? मतलब जहां तक मेरा अंदाजा है, 10 में से 6-7 सवाल तो ऐसे हो गए होंगे जो पूरे हो गए होंगे, और 2-3 में शायद एक आध पॉइंट में कहीं डाउट हो तो हो, ये हो सकता है मैक्सिमम। और उसमें भी वो डाउट होगा जो टॉपिक हमने किया नहीं है, डीम टू अक्रूड इन इंडिया, वो पहले टॉपिक करेंगे तो टॉपिक के बाद तुम्हारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो अभी जरा टॉपिक हमारा एक पेंडिंग है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, जरा एक बार देखो। अब तो वैसे तुम्हें पूरा चैप्टर याद हो गया हो, क्या दिखाऊं। सुनो जरा कहानी, हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस में कितने टॉपिक है बताओ बताओ बताओ। दो टॉपिक है, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना और दूसरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं हम लोग? इंडिविजुअल का, उसका या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट होने की दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करनी है, कोई एक कोई एक। क्या दो कंडीशन है? 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, सेकेंड कंडीशन 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर। अगर ये दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हुई या दोनों हो गई तो रेजिडेंट, अगर एक भी नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। उसके बाद अगर एक बार व्यक्ति रेजिडेंट हो गया तो या तो आर ओ आर होगा या आर एन ओ आर होगा। आर ओ आर के लिए कितनी कंडीशन है? दोनों सेटिस्फाई करनी है, कोई एक, दोनों। कंडीशन क्या है? पिछले प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में 730 डेज और मोर, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, तो आर ओ आर, अदरवाइज आर एन ओ आर। उसके बाद हुआ था जी हमारा एचयूएफ। एचयूएफ रेजिडेंट कब बनेगी? होली और पार्शली इन इंडिया, और होली आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेजिडेंट। और एचयूएफ आरवार होगी, आर एन आर, किस बात पे डिपेंड करता है? करता उसकी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो इंडिविजुअल के लिए होती है, 7 में 730, 10 में कोई 2 साल, दोनों सेटिस्फाई करनी है। उसके बाद फॉर्म एओपी बीओआई का सेम कंडीशन है जो एचयूएफ की है, अगर होली और पार्शली इन इंडिया हुआ तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया हुआ तो नॉन रेजिडेंट। इसका आरवार और आर एन आर हम चेक नहीं करते। उसके बाद कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी का पोयम अगर इंडिया में होगा तो रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेजिडेंट। ये कहानी हुई खत्म। उसके अलावा एक एक्सेप्शनल केसेस, दो ऐसे केसेस हैं जिस केस में हम पहली 182 वाली ही चेक करते हैं, 60 वाली कंडीशन चेक ही नहीं करते हैं। कौन सा था पहला केस? इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। दूसरा पॉइंट क्या था? इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन, वो पॉइंट तो यही है, हु परमानेंटली सेटल आउटसाइड इंडिया लेकिन कभी कभी इंडिया आता है फॉर विजिट इन इंडिया। तो इस दोनों केसेस में हम लोग सिर्फ कौन सी कंडीशन देखते हैं? 182 वाली, 60 वाली देखते नहीं। ये हुआ पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमने क्या सीखा कि अगर कोई व्यक्ति आर ओ आर है या आर एन ओ आर है या एन आर है तो उसकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। एनआर की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? या तो एक्रूड होनी चाहिए या रिसीव्ड होनी चाहिए, दोनों में से कम एक काम इंडिया में होना चाहिए तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। आर एनओआर की कौन सी होगी? जो एनआर की टैक्सेबल है वो तो आर एनओआर की है ही,
उसके अलावा आर एनवर की एक और इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। एक्रूड आउटसाइड हो चलेगा, रिसीव्ड आउटसाइड हो चलेगा, लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए। और आर वार तो अपना ही बच्चा, उसकी ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। लेकिन तीन ऐसी इनकम है जो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती, गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग, ये डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, और एक एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। पास्ट फॉरन अनटैक्स्ड इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल नाउ, पॉइंट क्लियर है। और अगर रेमिटेंस सेम ईयर की है, सेम ईयर, आज हमने कहीं और कमाया और आज ही रेमिट कर दिया तो टैक्सेबल है, लेकिन कभी कमाया था 2012 में और आज रेमिट कर रहे हैं तो वो आज टैक्सेबल नहीं होगा, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक छोटा सा केस था कि एक एनआर ने एक एनआर को लोन दिया, उस एनआर ने उस लोन का पैसा इंडिया में लगाया बिजनेस में, उस बिजनेस में से उसने उस लोन का जो ब्याज पे किया इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट विल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, मान लिया जाएगा, वो एक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। उसके बाद हमने डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, इसकी डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी है, जो हमें आज पढ़नी है। हेडिंग डालो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो इंडिया में एक्रूड यानी कमाई मान ली जाएगी।
चले जी, हो गया नोट यहां तक। और क्लास मिस मत किया करो, कहां रह जाते हो? वैसे अभी तक की क्लासेस तो डल रही है यूट्यूब पे, डल रही है अभी तक की, मतलब पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर ये वाला पूरा डलेगा, तो मिस मत करा करो, दिक्कत में आओगे नहीं तो। चले जी हटा दूं यहां तक। नेक्स्ट नोट करो जी, अदर केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, अदर केसेस, एक दो तीन चार पांच छह एरोज है इसमें, अदर केसेस करके ना हेडिंग, ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन। अगर तुम देखो उसका लास्ट एरो, देखो उसका क्या है, उसका लास्ट एरो, उस पिछले वाले डायग्राम का लास्ट एरो इज अदर केसेस। वो अदर केसेस क्या है? वो ये है, यहां तक हो गया, इसको थोड़ा इधर कर दूं।
चले जी, हो गया यहां तक। अब आओ जी, इसको समझते हैं एक बारी। अब नोटिंग से ध्यान बिल्कुल हटाओ और समझने पे ध्यान लगाओ। बहुत सिंपल केस है, मैं आपको वैसे ज्यादा इसमें कुछ इस टॉपिक का नाम देखो क्या है। टॉपिक का नाम है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? ऐसी कौन सी इनकम है जो इनकम इंडिया में एक्रूड, एक्रूड का मतलब कल हमने पढ़ा था, एक्रूड का मतलब होता है कमाई। तो इंडिया में कमाई मान ली जाएगी। पहले केसेस की बात नहीं करता, पहला केस बाद में पढ़ूंगा, पहले ये देखो। ये तो सर हमें कल भी समझ में आ गया था, याद है कल हमने एक सवाल में किया था रेंट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इन भोपाल या ऐसा कुछ करके। तो प्रॉपर्टी कहां पे थी? भोपाल में। मैंने आपको इसका ना बहुत एक ऐसा रामबाण बता दिया था कि जिससे आपको अपने आप समझ में आ रहा था कि वो इंडिया में एक्रूड है या नहीं है, कि जिस कंट्री के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए उस कंट्री में वो इनकम एक्रूड मान ली जाएगी। तो अब प्रॉपर्टी इन इंडिया है सर, ये बात तो हमें कल ही पता लग गई थी, ये बात हम कल ही समझ गए थे कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम इंडिया में एक्रूड मान ली जाएगी। दूसरा, एनी एसेट और सोर्स इन इंडिया। अब जिस एसेट से इनकम आ रही है वो क्या है? इंडिया की है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। सर ये तो चलो एग्जेम्प्ट हो गया। कल हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। शेयर्स कौन सी कंपनी के हैं? उसको आपने बेचा और उससे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो ये इनकम एक्रूड इन इंडिया क्यों है? क्योंकि सर एसेट या फिर उसका सोर्स कहां पे है? इंडिया में। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। सर हमने घर बेचा है, घर बेच के हमको फायदा हुआ, 50 लाख का घर था, 70 लाख में बेच दिया, 20 लाख का फायदा हुआ, लेकिन वो घर लंदन में था, तो क्या वो इनकम एक्रूड इन इंडिया होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैपिटल एसेट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। लेकिन अगर वो घर दिल्ली में है और आपने उसको बेचा और उससे आपको फायदा हुआ, तो वो इनकम इंडिया में एक्रूड क्यों मान ली गई? क्योंकि कैपिटल एसेट कहां सिचुएटेड थी? इंडिया में। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इन तीनों ही केसेस में अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहां पे है? इंडिया में। देन इनकम हो चाहे सेल से या रेंट से, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एक्रूड और अराइज इन इंडिया। सर ये तो हम टॉपिक का पढ़ रहे हैं लेकिन इसका मतलब हम कल ही समझ गए थे। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर्टी सर कैसी भी हो सकती है, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सिचुएटेड कहां होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा, सर ऐसी कौन सी इनकम है जो इंडिया में एक्रूड मान ली जाती है जब उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से हो? जब उसका क्या इंडिया से हो? बिजनेस कनेक्शन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन? तो ये इसमें एक्सप्लेन्ड है। पहला पॉइंट, ये कोई डायग्राम मैंने नहीं बनाया, ये पॉइंट जो बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में गिवन है उन पॉइंट्स को हमने डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, देखो जो व्यक्ति रेजिडेंट है और वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो हमें बिजनेस कनेक्शन वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना। सर तू तो बिजनेस इंडिया में कर रहा है, तू तो है इंडिया का। हमें दिक्कत कब होती है कि एक व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है और बाहर से कोई बैठ के, लंदन से बैठ के अगर कोई इंडिया में काम कर रहा है, तो क्या उसका इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन तो नहीं है? और अगर है उसका बिजनेस कनेक्शन, तो उस ट्रांजैक्शन से कमाई हुई इनकम पे हम इंडिया में क्या लेंगे? उससे
टैक्स लेंगे। तो हम वही डिटरमाइन करने जा रहे हैं कि कब बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और कब बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट देखो, एक नॉन रेजिडेंट है मिस्टर एक्स जो लंदन में रहता है, उसका इंडिया में एक एजेंट है और उस एजेंट के पास फुल अथॉरिटी है सारा काम करने की, भाई तू मेरे बिहाफ पे सारी सेल परचेज सारे डिसीजन तू कर सकता है। तो एक तरीके से एनआर के बिहाफ पे ही तो वो व्यक्ति काम कर रहा है इंडिया में। तो क्या अगर वो जो भी काम इंडिया में कर रहा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि उस एनआर का इंडिया में क्या है, बिजनेस कनेक्शन है? बोल सकता हूं कि नहीं? सब प्योर बिजनेस कनेक्शन है, ये कोई टैक्स बचाने का तरीका हुआ ही नहीं कि आप खुद नहीं जा रहे, बस आपने वहां पे एक बंदा रख दिया जो आपके बिहाफ पे सारे काम कर रहा है। तो मैं क्या बोलूं, उस एनआर का इंडिया में क्या है, बिजनेस कनेक्शन है। नेक्स्ट, एनआर ने एजेंट रखा है सिर्फ किसके लिए, सेल परचेज के लिए रखा है, लेकिन हैबिचुअली का मतलब क्या, ये वर्ड बाद में अमेंडमेंट आई थी, ये वर्ड बाद में ऐड हुआ था, हैबिचुअली का मतलब क्या है, उसको हैबिट है, मतलब हैबिचुअली मतलब फ्रीक्वेंटली वो उसके लिए सेल परचेज करता है, कभी कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली उसके लिए सेल परचेज करता है, तो फिर भी वो उसका एजेंट मान लिया जाएगा। दूसरा, एजेंट मान लिया जाएगा तो फिर बिजनेस कनेक्शन भी होगा। दूसरा, एक एनआर ने एक एजेंट के थ्रू एक एनआर को माल बेचा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर एक्स हूं लंदन में और मेरा इंडिया में एक एजेंट है, एक मिस्टर वाई है वो भी लंदन में ही है, वो भी लंदन में है, उसको मेरे से माल खरीदना था, तो वो चाहता तो मेरे पास डायरेक्ट भी आ जाता, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं वो कौन, हम जानते नहीं एक दूसरे को। उसको जो माल चाहिए था उसने देखा जी वो इंडिया में मिल रहा है, और वो इंडिया में बाई चांस उसने किससे खरीदा, मेरे ही एजेंट से खरीदा। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि माल लंदन से लंदन में ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन थ्रू इंडिया ही हुई है और इसमें बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन लंदन से लंदन हुई है, लंदन से लंदन तब होती है जब वो ऑर्डर डायरेक्टली मुझे प्लेस करता है। उसने ऑर्डर किसको प्लेस किया है, मेरे एजेंट को जो कहां पे काम कर रहा है, इंडिया में, और वो मेरे लिए हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करता है। तो ट्रांजैक्शन इंडिया से घूम के आई है, चाहे लंदन टू लंदन ही क्यों ना हुई हो, लेकिन इंडिया से घूम के आई है, तो इस ट्रांजैक्शन में भी इंडिया से इस एनआर का बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा और इस ट्रांजैक्शन पे इनकम टैक्स इंडिया में लिया जाएगा, क्योंकि ये इनकम डीम टू एक्रूड इन इंडिया है। डीम टू एक्रूड इन इंडिया क्यों है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसकी बात करो, अब ये वाला पॉइंट आओ, इफ एजेंट हैज इंडिपेंडेंट स्टेटस देन नो बिजनेस कनेक्शन। एग्जाम्पल, ये अभी तो मैं लाइन बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसकी केस कैसा आता है, मैं एक एनआर हूं, मेरी इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इंडिया में एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका अपना काम है प्रॉपर्टी डीलर का, वो सिर्फ मेरा एजेंट नहीं है, इंडिया में एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका अपना काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, वो सिर्फ मेरे बिहाफ पे काम नहीं कर रहा, तो क्या उसका अपना इंडिपेंडेंट कोई स्टेटस है, कोई औकात है, कोई स्टैंडिंग है, नहीं है? है। और वो मैंने उसको फोन करके बोला लंदन से, भाई ऐसा है मेरी ना वहां पर 10-12 प्रॉपर्टी है, तो इसको सेल परचेज करने का ठेका जिम्मा मैं तेरे को देता हूं, और जो नॉर्मली डीलर्स कमीशन लेते हैं 1% 1%, वो मैं तुझे भी दूंगा, तो मेरी प्रॉपर्टीज निकले कहां कहां पे, इन पे भी ग्राहक आए तो मुझे बता दियो, और मेरे भी आप पे सेल परचेज तू कर लियो, मुझे फोन कर दियो, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग कर लेंगे, ऐसे ऐसे मेरी उसे डील हो गई। तो क्या वो डीलर सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है? नहीं। उसका अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस है कि नहीं है? है। तो गवर्नमेंट बोलते इस केस में तुम्हारा कोई बिजनेस कनेक्शन एज सच नहीं है। तो लेकिन सर, कल को जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा डीलर, जब एनआर की प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है, जब वो उसको बेचेगा, तो उससे होने वाला फायदा क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? सर होगा, लेकिन वो इस पॉइंट की वजह से नहीं होगा, बिजनेस कनेक्शन की वजह से नहीं होगा। वो किस वजह से होगा? प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? इंडिया में। इस पॉइंट की वजह से उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो इनकम जनरेट होगी एनआर की, एनआर की जो इनकम जनरेट होगी प्रॉपर्टी को बेचने से, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, लेकिन बिजनेस कनेक्शन की वजह से नहीं होगी। वो किस वजह से होगी? कि प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? इंडिया में। तो इनकम डीम टू एक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी और एनआर की वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन बिजनेस कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए कोई मेरा एजेंट काम नहीं कर रहा, वो तो मैंने किसी को बोला कि भाई तुम देख रेख करना है, मैं रोज रोज आ नहीं सकता, तो मेरी प्रॉपर्टी जैसे तुम बाकियों की बिकवाते हो, किराए पे चढ़वाते हो, मेरी भी करवा देना। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हैबिचुअली का हैबिचुअली फिर वो उसी के लिए काम कर रहा है। एजेंट का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे लिए ही काम कर रहे हो, तुम मेरे एजेंट हो। प्रॉपर्टी डीलर किसी का एजेंट नहीं है, उसका अपना बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलिंग का, वो सिर्फ मेरा एजेंट नहीं है। तो वहां पे
आ जाता है पॉइंट एजेंट वाला। अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है, जैसे मैंने ये बोल रहा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी डीलर है जो मेरे लिए हैबिचुअली काम कर रहा है, हैबिचुअली का मतलब क्या हुआ कि रेगुलर बेसिस पे काम करता है, कभी तो वो काम खत्म हो जाएगा मेरी, ऐसा तो नहीं 100 करोड़ प्रॉपर्टी है वो मेरे लिए काम कर रहा है, 10 प्रॉपर्टी होगी 12 प्रॉपर्टी होगी बेच देगा, उसके बाद क्या करेगा, तब तो वो मेरा एजेंट नहीं रहेगा, और उस दौरान क्या वो अपना काम नहीं कर रहा, कर रहा है, तो वो मेरा एजेंट नहीं है मेरे। अब ऐसे तो इसका मतलब तो दुनिया में सारे जिसके थ्रू हम काम कर रहे थे वो हमारा एजेंट हो गया, तो हर केस में ही प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप तुमने तो निकाल दिया। अगर ऐसे तो हमारी भी दो प्रॉपर्टी है, मेरी किसी हमने एक किराए पे चढ़ा रखी है, एक बेचने के लिए लगा रखी है, तो क्या वो डीलर मेरा एजेंट हो गया? नहीं हुआ, उसका अपना बिजनेस है। मतलब हाँ, मतलब जैसे मैं एनआर हूं, मेरी 10-12 प्रॉपर्टी है इंडिया में, मैंने डीलर को बोला कि तू इसको बिकवा दियो, उसने बिकवा दी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कोई मैटर नहीं है। हम इनकम की बात कर रहे हैं, लेने में तो क्या होगा, खर्चा होगा, उसका पैसा कहीं ब्लॉक ही होगा, वो मुद्दे बिल्कुल अलग है। वो कैपिटल गेन में तुम चले गए, ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा हो, इसका मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो तुमने बात बोली है, ये इनकम टैक्स में सेक्शन 54 में है। 54 सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आप घर बेच के घर लेते हो, मैंने 70 लाख का घर बेचा, खरीदा था 50 लाख रुपए में, तो मेरे को फायदा कितने का हुआ, 20 लाख का, लेकिन 70 लाख का बेच के मैंने 80 लाख का घर ले लिया, गवर्नमेंट कहती है तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास एक ही घर था और एक घर बेच के तुमने एक घर और ले लिया, तो जो तुम्हें 20 लाख का फायदा उस पर हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन ये बातें एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन सेक्शन 54 में आएगा आगे जाके, अब ये इस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो बिजनेस कनेक्शन कब माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन सिंपल सा तब माना जाएगा जब एक एनआर का एक एजेंट है जो उसके लिए हैबिचुअली काम करता है, जिसका अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है, तो बिजनेस कनेक्शन है, अदरवाइज बिजनेस कनेक्शन नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? और ये आ गया अदर केसेस। ये कौन से अदर केसेस है? ये वो केसेस है जो जिस केस में इनकम डीम टू अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। कौन से केसेस है आओ जरा देखो। पहला पॉइंट, सैलरी अर्नड इन इंडिया। सर ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी अगर मैं इंडिया में काम करूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेन होंगे ना। मैंने तो आपको देसी भाषा में बता दिया कि रिसोर्सेज इंडिया के होनी चाहिए, लेकिन ऐसी लाइन कहीं लिखी नहीं है। ये सबका एक कंक्लूजन था कि जब इंडिया के रिसोर्सेज यूज होंगे तो मतलब इंडिया में अक्रूड है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लिखे तो ये केसेस हैं जो सबके कंक्लूजन यही निकलता है कि रिसोर्सेज कहां के यूज होने चाहिए, इंडिया के। नेक्स्ट, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे सवाल आता है, जो कल आपको सवाल दिया गया होगा उसमें ये पॉइंट होगा। एक बंदा इंडियन गवर्नमेंट में काम करता है, गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है, गवर्नमेंट ने उसको बोला कि भाई वहां जाके तू काम कर, इंडिया से बाहर भेज दिया उसको, लेकिन सैलरी तो कौन देगा? बाहर की गवर्नमेंट थोड़ी देगी, जिस कंपनी में काम करता है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, वही तो उसको सैलरी देगी। तो सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट, लेकिन वो सर्विसेज कहां दे रहे हैं? आउटसाइड इंडिया। लेकिन वो इनकम कहां अक्रूड मान ली जाएगी? इंडिया में अक्रूड मान ली जाएगी। एम्बेसीज होती है, जैसे इंडियन एम्बेसी में कोई काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी जो बाहर होगी वहां पे जो काम कर रहे हैं उनको पैसे कौन दे रहा होगा? इंडियन गवर्नमेंट देती होगी, तो वो इनकम कहां अक्रूड मान ली जाएगी? इंडिया में अक्रूड मान ली जाएगी। इसकी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब, पहले तो एक्सेप्शन का यहां पर मतलब क्या होगा कि ये इनकम अक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। पेंशन टू जजेस या ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट, पेंशन का मतलब बेचारे रिटायर हो चुके हैं, सीधी बात यह, तभी पेंशन मिल रही है। किनको? जजेस को या ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट को। तो इनकी इनकम अक्रूड इन इंडिया नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सरकार कहते हैं हम तुमसे इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जजेस वजीर रिटायर होने के बाद कहीं बाहर सेटल हो जाते हैं, तो बाहर परमानेंटली सेटल हो गए, लेकिन उनको पेंशन तो इंडियन गवर्नमेंट जीवन भर देगी, जब तक वो मतलब जिंदा है जब तक उनको पेंशन मिलेगी। तो वो पेंशन जिस कंट्री में मिलेगी, गवर्नमेंट कहती है इस पर हम इनकम टैक्स इंडिया में नहीं लेंगे, तुम एग्जेम्प्ट हो, तुमसे हम इनकम में इंडिया में इनकम टैक्स इंडिया में नहीं लेंगे, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉइंट निकाला हुआ। नेक्स्ट, डिविडेंड पेबल बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, मतलब अभी शेयर होल्डर मान लो लंदन में है, उसने इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, तो उसको डिविडेंड इंडियन कंपनी उसके लंदन वाले अकाउंट में डालेगी, वो बोलेगा भैया इस अकाउंट में पैसे डाला करो मेरे, तो उसको जो डिविडेंड मिलता होगा उसके कौन से अकाउंट में मिलता होगा? लंदन वाले अकाउंट में। तो इसका वो क्या बन गया? डिविडेंड पेबल तो है, इंडियन कंपनी दे रही है, लेकिन आउटसाइड इंडिया।
लेकिन सर एक बात बताओ, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी तो क्या होता है? एग्जेम्प्ट। तो मैंने ये तो यहाँ पे बोला ही नहीं कि इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है ना। टैक्स में ना बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट निकलता है। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है या फिर एक्रूड इन इंडिया है या नहीं। हम इस टॉपिक में सीख क्या रहे हैं, एक्रूड इन इंडिया है या नहीं। अब अगर ये इनकम एक्रूड इन इंडिया है, चलो मान लिया एक्रूड इन इंडिया है, लेकिन दूसरे चैप्टर ने इसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट का चैप्टर आएगा अभी, सेक्शन 10 में पूरे एग्जेम्प्शन एक्सप्लेन है वहां पे। अभी हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट। ये कहां लिखी है बातें, जो हमने कल पढ़ी थी, कहीं तो लिखी होंगी। तो हमारा जो अगला चैप्टर आएगा एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 10, पूरे सेक्शन 10 के अंदर 10 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा करके ये सारी बातें वहां लिखी हैं। लेकिन उस चैप्टर में से जो बातें मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस में चाहिए थी वो हमने उठा के यहां पे लिखी, ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ। ये सारी बातें भी एग्जाम चैप्टर में आएंगी। तो हम अभी फिलहाल क्या सीख रहे हैं, फिलहाल कि कौन सी इनकम इंडिया में एक्रूड है और कौन सी इनकम इंडिया में एक्रूड नहीं है, एक्रूड होने के बाद टैक्सेबल है या नहीं है, वो एग्जाम इनकम वाला चैप्टर आपको बताएगा। और टैक्सेबल भी अगर है तो सर, अगर टोटली 2.5 लाख तक नहीं है तो फिर भी उन पर टैक्स कितना लगेगा, जीरो। कैलकुलेट होकर टैक्स कितना आएगा वो मुद्दा अलग है। तो बहुत अलग अलग मुद्दे और बिल्कुल स्पेसिफिक मुद्दे, हर मुद्दा अलग है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कौन दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट व्हेन द यूज और सर्विस इन इंडिया। कल ये बात आई थी, अगर आपको याद दिलाऊं, कल ऐसा सवाल में आया था, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ऐसा करके एक पॉइंट आया था। तुमने उसको तुरंत बोल दिया सर ये इंडिया में एक्रूड है, क्यों बोला था, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बेस क्लियर था, इंडिया के रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सर्विसेज अगर इंडिया में दे रहा है तो ऑब्वियस बात है वो कहां सर्विस दे रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके सर्विस दे रहा होगा, तो वो इनकम इंडिया में एक्रूड मान ली जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आप कोई ध्यान से रखना इस पे, ये पॉइंट आते हैं एग्जाम में, इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप किसी को, रॉयल्टी पे कर रहे हो या फिर फीस पे कर रहे हो किस चीज की, टेक्निकल सर्विसेज, कौन पे कर रहा है, या तो इंडिया की गवर्नमेंट या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या फिर कौन पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट, लेकिन यूज का हो रहा है सर्विस का इंडिया में, तो वो इनकम इंडिया में एक्रूड मान ली जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लमसम रॉयल्टी नॉट टू बी एक्रूड इन इंडिया, इसका पॉइंट करेंगे अभी एग्जाम्पल, अब जो क्वेश्चंस में आएगा तब क्लैरिटी आएगी। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिखा, अगर यूज और सर्विस इंडिया से बाहर है तो इंडिया में डीम्ड नहीं मानी जाएगी। अगर सर्विसेज कहां दी जा रही है, इंडिया से बाहर, तो वो इंडिया में एक्रूड सिंपल है सर, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसमें इंडिया के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब इस डायग्राम को ना याद करने की कोशिश करते हैं, ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। पहले देखो इस डायग्राम में पहले कितने पॉइंट है, 5। पहला पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन, जिसके 4 पॉइंट है, जिसका बेस सिंपल सा क्या है बिजनेस कनेक्शन का, कि एक एनआर का बिजनेस कनेक्शन होगा अगर उसका एजेंट हैबिचुअली सेल परचेज कर रहा है उस एनआर के लिए रेगुलरली, और उसका अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है, तो बिजनेस कनेक्शन है। और अगर बिजनेस कनेक्शन है तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस कनेक्शन के थ्रू होंगी उनसे जनरेट हुई सारी इनकम इंडिया में एक्रूड मान ली जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और जो इनकम इंडिया में एक्रूड है एनआर के लिए भी टैक्सेबल है, आर एनओआर के लिए भी टैक्सेबल है, और आरओआर के लिए तो है ही। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, 3 बातें, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी को लेके हैं, कि प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है या एसेट का सोर्स है, कैपिटल गेन हो रहा है कैपिटल एसेट, लेकिन वो क्या हो रही है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड क्या होनी चाहिए इंडिया में, आप उससे सेल करो या उसको रेंट पे चढ़ाओ, उससे आने वाली इनकम इंडिया में एक्रूड मान ली जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, याद करो इसका, क्या अदर केसेस। अब मैं अदर केसेस में आया, अदर केसेस में कितने पॉइंट है हमारे, 6 पॉइंट है। पहला 2 सैलरी को लेके है, सैलरी अर्न इन इंडिया इस एक्रूड इन इंडिया, या फिर सैलरी अर्न या सैलरी पेबल बाय कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में एक्रूड मान ली जाएगी। इसकी एक्सेप्शन क्या है, पेंशन टू जजेस और ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट है डिविडेंड का, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया विल बी डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। और उसके बाद 3 पॉइंट है इकट्ठे है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल बाय, किसने पे की हो, गवर्नमेंट ने या पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट, लेकिन उसका यूज और सर्विस कहां होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, तो वो सारी इनकम इंडिया में एक्रूड मान ली जाए। ये टॉपिक क्लियर हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल में तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वो इंडिया में एक्रूड है या नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। 2 मिनट लगाओ, वापस से इस चार्ट को ना अपने आप को सुना दो, अपने आप को मनी मन में सुना दो, इस चार्ट को याद हो जाएगा। अभी याद, थ्योरी एमसीक्यू के लिए बहुत रेलेवेंट है, एक एक 2-2 नंबर में घुस घुस के यहीं से पॉइंट पूछेगा आपसे।
कोशिश करो ये चार्ट अभी के अभी खुद को सुना दो कि पहले पांच है फिर छह है। चले जी शुरू करें एक बार वापस से बोलते हैं चार्ट याद करते हैं। पहले पहले केस पहले चार्ट में कितने पॉइंट है? पांच। पहला पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन, क्यों एक्सप्लेन करता हूं, मतलब जब हम आंखें बंद करें ना तो वो चार्ट सामने आना चाहिए। मतलब मैं तो इतनी बार रिवाइज करके गया था एग्जाम में, अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैं एग्जाम देने गया था पांच छह बार रिविजन करके गया था, जब मैं आंखें बंद कर रहा था ना किसी टॉपिक के बारे में तो मुझे जो मैंने उसके बारे में पांच बार छह बार अपनी आंखों के आगे से निकाला था वो सामने आ जाता था। इससे बढ़िया चीटिंग करने का तरीका नहीं है। तो पांच छह बार रिवाइज कर लोगे तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आपके पास पहले आएंगे पांच, पहला बिजनेस कनेक्शन, दूसरा प्रॉपर्टी को लेकर तीन पॉइंट है, उसकी सेल परचेज कर रहे हो या रेंटिंग कर रहे हो तो आपके लिए इनकम एक रूड इन इंडिया, लेकिन प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहां होनी चाहिए? इंडिया में प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की चलेगा। और लास्ट पॉइंट है अदर केसेस, अदर केसेस में आए पीछे आया तो मैं छह पॉइंट है। पहले तो सैलरी को लेके है, सैलरी पहले तो बिल्कुल बेकार पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में क्या था? सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, और उसकी एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम में आएगी, पेंशन पेएबल टू जजेस और ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद तीन पॉइंट नहीं, बीच में एक पॉइंट है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनीज आउटसाइड इंडिया, ये वो एक रूड इन इंडिया, और फिर तीन पॉइंट है इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेएबल बाय गवर्नमेंट रेजिडेंट इन इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट, लेकिन उसका यूज कहां होना चाहिए? इंडिया में। कहानी क्लियर होगी यहां तक? और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लिखो जी, ये भी सिर्फ थ्योरी या एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट है, ये टॉपिक प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। नो बिजनेस कनेक्शन इफ, रोज का रोज ना क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब जितना जितना हो जाए, कॉन्सेप्ट घर जाके जरूर रिवाइज किया करो, टैक्स आपके टिप्स पे हो जाएगा, और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है उसका प्रैक्टिकल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो प्रैक्टिकल तो वैसे ही खत्म है। एक दो तीन चार पांचवा ना मेरा तो पूरा आ नहीं रहा था तो मैंने उसको नीचे ले आया। न्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन एस एन जेड,
चले जी हो गया। बहुत सिंपल है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है। टॉपिक का नाम तो आप समझिएगा, टॉपिक का नाम है नो बिजनेस कनेक्शन इफ, कि इन केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। सीधा वाइट पहला पॉइंट क्या है, ऑल ऑपरेशंस नॉट इन इंडिया, मतलब सारे काम इंडिया में नहीं हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, अभी मान लो एप्पल का फोन है, मान लो वो इंडिया में नहीं बनता, उसके सिर्फ बॉडी एक चीज इंडिया में बन रही है, बाकी सब बाहर ही बन रहा है और बाहर ही असेंबल हो रहा है, तो क्या बोल दो एप्पल कंपनी इंडियन कंपनी हो गई या उसका सारा बिजनेस कनेक्शन इंडिया से हो गया? नहीं, बिकॉज उसकी सारे ऑपरेशन इंडिया में नहीं हो रहे, वो तो सिर्फ इंडिया में आते हैं, अपने मोबाइल के कवर बनवाते हैं और ले जाते हैं और मोबाइल बाहर असेंबल करता है, पूरी दुनिया में बेचते हैं। इंडिया वाले चले गए, पूरी दुनिया में तुमने मोबाइल बेचे, उस पर जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ इंडिया में उस पर इनकम टैक्स दो, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी का कवर इंडिया से बनवाया था और बिजनेस कनेक्शन हो गया। एप्पल उनको कह रहा ये लो पकड़ो सेव और निकलो यहां से, क्यों? मतलब ये तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन, लॉजिकली बताओ कि एप्पल ने जो भी मोबाइल्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बेचे हैं उस इनकम पे तुम इंडिया में इनकम टैक्स मांगने चले जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि तुमने क्या करा है, सिर्फ इंडिया से कवर बनवाया जी, बॉडी तुमने इंडिया से बनवाई है तो तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन हो गया इंडिया से, तो लाओ हमें इंडिया में उस पर इनकम टैक्स दे दो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, भाई तेरा कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है इंडिया में। लेकिन अगर हाँ एप्पल कंपनी जो मोबाइल्स इंडिया में बेचेगी थ्रू एनी एजेंट, एप्पल के अब डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, एप्पल के जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन है? एप्पल के एजेंट ही तो हुए जो उन्हीं के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, तो उन एजेंट्स के थ्रू जो एप्पल कंपनी इंडिया में मोबाइल बेचेगी तो उन इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स मांगे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोनों बातें अलग अलग है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ओनली फॉर एक्सपोर्ट, हम इंडिया से गुड्स खरीदते हैं, मैं इंडिया से गुड्स खरीदता हूं लेकिन उसको सिर्फ क्या करता हूं, एक्सपोर्ट करने के लिए खरीदता हूं, तो गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से जान पूछ के बाहर रखा। क्यों बाहर रखा? ताकि मैं इंडिया आऊं, मेरा इंटरेस्ट होगा। क्यों इंटरेस्ट होगा सर? क्योंकि बिजनेस कनेक्शन तो है नहीं, बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा तो मेरे एक्सपोर्ट करने पे जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा सरकार मेरे से उस पर इनकम टैक्स नहीं मांगेगी, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन तो डेवलप किया ही नहीं सरकार ने, तो गवर्नमेंट यही तो चाहती है आप इंडिया आओ, इंडिया से गुड्स खरीदो और क्या करो, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करो, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ में इंडियन के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी सेल भी बढ़ेगी, और जो माल बेचेगा उससे तो सरकार इनकम टैक्स ले ही लेगी ना, उसकी सेल है उसका तो प्रॉफिट है उससे तो ले ही लेगी। गवर्नमेंट मुझे माफ कर रही है कि तुम खरीदने वाले हो, किस पर्पज के लिए खरीद रहे हो, एक्सपोर्ट, तो तुम हमको हम माफ करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चला के, गवर्नमेंट बेसिकली क्या चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करूं इंडिया से माल खरीद के। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ न्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, अभी अंग्रेज आया इंडिया में और अंग्रेज दिल्ली में आया और लेके चला गया, केजरीवाल जीत गया, उसको एक न्यूज मिली लेकिन उसने इंडिया में ट्रांसमिशन नहीं किया, बाहर गया, बाहर बीबीसी न्यूज करके है जो इंडिया का न्यूज चैनल नहीं है, बाहर का न्यूज चैनल है, और बीबीसी न्यूज में वो इंग्लिश में बोल रहे हैं केजरीवाल जीत गया इलेक्शन दिल्ली में। तो इसने किया क्या, इसने इंडिया के रिसोर्सेज को तो यूज किया लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां किया, आउटसाइड इंडिया। तो गवर्नमेंट बोलती है इस केस में हम आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि बीबीसी जो न्यूज है वो न्यूज दिखा के पैसे तो कमा ही रहे ना, लेकिन वो न्यूज आई कहां से उसके पास, इंडिया से। तो गवर्नमेंट बोलते कोई बात नहीं ले जाओ, क्या इंडिया ही पॉपुलर हो रहा, अपने को टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ जोन्स को नोटिफाई किया है कि आप यहां जाओ, अनकट एंड अनअसॉर्टेड का मतलब क्या हुआ, जो प्योर डायमंड होते हैं जो अभी शेप जिनको नहीं दी होती और जिनको हमने पॉलिशिंग नहीं किया होता, रॉ डायमंड होते हैं, आप जाओ इस एरिया में, एरिया के व्यापारियों को दिखा के आओ, उनको पसंद आएगा तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, इस एरिया में हम इस व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप वहां जाके डिस्प्ले कर रहे हो तो इसके लिए हम उसका बिजनेस कनेक्शन आपके उस एरिया से नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट बेसिकली ऐसा क्यों चाहते, ताकि नॉन रेजिडेंट्स वहां के जो अच्छे डायमंड्स हैं उनको यहां पे लेके आए और यहां के व्यापारियों को दिखाएं। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर किसी वहां के नॉन रेजिडेंट ने यहां पे आके किसी व्यापारी को अपना डायमंड दिखाया है तो इस केस में हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ये सब हो। और लास्ट है, एक एनआर इंडिया में आया किस पर्पज के लिए, शूटिंग के लिए आया, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल है, कौन वो, मतलब एनआर, एनआर इंडिविजुअल है और वो इंडिया का क्या है, नॉन रेजिडेंट है या फिर सिटीजन भी नहीं है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, ताकि हम क्या चाहते हैं, इंडिया में आके एनआर क्या करे, शूटिंग करे। एनआर अगर इंडिया में आएगा, नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में आएगा, मतलब बाहर का कोई हीरो इंडिया में आएगा
और इंडिया में आके शूटिंग करेगा तो उससे होगा क्या? सर इंडिया के जो छोटे लोग हैं उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अपने साथ पूरी टीम तो लेके आएगा नहीं, वो तो छोटी मोटी लेबर तो यही से हायर करेगा, जिससे इंडिया की छोटी मोटी लेबर को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और लेकिन अगर मैं उसकी उस शूटिंग पर उससे जो उसने कमाई कर रहा है अपनी मूवी में उससे उस पर इनकम टैक्स मांगने लग जाऊं तो कोई इंडिया की शूटिंग नहीं करेगा। तो हमने बोला एक एनआर को, हमने क्या बोला कि भाई एनआर अगर तुम इंडिविजुअल हो और तुम इंडिया आ रहे हो शूटिंग के लिए और तुम नॉन रेजिडेंट तो हो ही हो और तुम इंडिया के सिटीजन भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आओ शूटिंग करो, हम तुम्हारा इंडिया से बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। लेकिन सर अगर कोई एनआर जो इंडिया में आके शूटिंग कर रहा है वो एक फर्म है जैसे धर्मा प्रोडक्शंस, ये क्या है? ये कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, ये क्या है? एक पूरी कंपनी होगी या फर्म होगी। वो इंडिया आके अगर शूटिंग कर रहे हैं और उनकी फर्म का कोई भी पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम शूटिंग कर लो, तुम्हारा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर उनकी फर्म का कोई भी पार्टनर इंडिया का क्या निकल गया? रेजिडेंट, तो इसका मतलब उस फर्म का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। नेक्स्ट, अगर वो एनआर क्या है? कंपनी, और वो इंडिया में आ रही है शूटिंग कर रही है लेकिन उसका कोई भी शेयर होल्डर, कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर यानी ओनर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अगर उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का क्या निकल गया? रेजिडेंट निकल गया, यानी उस कंपनी का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। ये सब क्यों डेवलप किया गवर्नमेंट ने? जानबूझ के डेवलप किया कि बाहर के व्यक्तियों को हम प्रमोट करना चाहते हैं वो इंडिया में आके शूटिंग करें लेकिन भारतीय इसका फायदा ना उठाए। भारतीय कैसे फायदा ना उठाए? अब भारतीय जब एनआर फॉर एग्जांपल को इंडिया का इंडियन कंपनी है, अब वो चाहती है मैं इंडिया में शूटिंग तो करूं लेकिन मेरे पे सरकार उससे इंडिया में इनकम टैक्स ना ले, तो वो क्या चाहेगा? मैं यार एक एनआर को पकड़ता हूं, बहुत सारे एनआर मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उसके साथ अपनी एक फर्म बना लेता हूं। दिखेगा क्या सरकार को? क्या दिखेगा? मैं नहीं आया, मैं शूटिंग नहीं कर रहा। कौन शूटिंग कर रहा है? वो फर्म जो एनआर ने बना रखी है। अब वो फर्म इंडिया में आके शूटिंग कर रही है, गवर्नमेंट ने तो एनआर को मना किया हम तुम्हारे से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन उसमें पार्टनर तो कौन है? एक पार्टनर तो इंडियन है जिसकी ये चाल थी कि मैं एनआर के साथ मिलकर एक फर्म बना लूंगा और उससे शूटिंग करवाऊंगा इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई फर्म बाहर से इंडिया आ रही है लेकिन अगर उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट निकल गया तो हम उस केस में बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई जेन्युइनली बाहर की फर्म, बाहर की कंपनी या बाहर का इंडिविजुअल जेन्युइनली कोई इंडिया आके शूटिंग करता है तो हम उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उसका कोई भी अंदर का व्यक्ति मतलब फर्म का पार्टनर या कंपनी का शेयर होल्डर इंडिया का रेजिडेंट निकल गया तो उस केस में हम क्या करेंगे? बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत अच्छे पॉइंट है ये, थ्योरी में एमसीक्यू में आते हैं, आपको प्रैक्टिकल इसका कुछ नहीं आएगा, एक दो नंबर के एमसीक्यू में आ सकते हैं पॉइंट। तो दोबारा देखते हैं एक बार, पांच पॉइंट क्या है कि बिजनेस कनेक्शन कब नहीं माना जाता। पहला पॉइंट क्या है? सारे ऑपरेशंस अगर इंडिया में नहीं है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट, परचेज किया हमने गुड्स किस पर्पस के लिए? सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। हम न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसका ट्रांसमिशन कहां करेंगे? आउटसाइड, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। हम सिर्फ डायमंड्स को अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स को सिर्फ क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं, और वो भी कहां पे? SNZ में, स्पेशल नोटिफाइड जोन्स में, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एक एनआर इंडिया में आ रहा है शूटिंग करने के लिए और अगर वो एनआर इंडिविजुअल है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर वो एनआर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर इंडियन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, और अगर वो एनआर कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ध्यान से समझना, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले समझना, इसको नोट नहीं करना अभी। सर हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एज अ क्रू ऑफ इंडियन शिप, एज अ ग्रुप, क्रू का मतलब होता है ग्रुप, इंडियन शिप में कोई काम करता है और वो इंडिया से बाहर जाती होगी शिप, इंडिया के अंदर आती होगी, तो उस केस में हम सिर्फ कौन सी कंडीशन देखते हैं? 182 डेज वाली। लेकिन सर नॉर्मल केसेस में हम डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल कहां काउंट करते हैं? इंडिया में या इंडिया से बाहर? इंडिया में। लेकिन उस केस में, शिप वाले केस में, हम डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल कहां काउंट करेंगे? इंडिया से बाहर। लेकिन सर उसमें हम कौन से दिन काउंट नहीं करेंगे? डायग्राम से समझना, 1/4/17 को से 31 मार्च 2018 के बीच का एग्जाम्पल है। डेट ऑफ डिपार्चर जिस दिन शिप गई इंडिया से बाहर, और डेट ऑफ अराइवल का मतलब क्या होगा? जिस दिन वो शिप इंडिया के अंदर वापस आई। डेट ऑफ डिपार्चर नॉट टू बी काउंटेड इन इंडिया और डेट ऑफ अराइवल नॉट टू बी काउंटेड इन इंडिया, ये तो एक एक्सेप्शन हो गई नॉर्मल केस की। नॉर्मल केस में क्या होता है? काउंट करते हैं इंडिया में, अभी तक हम काउंट करते आए, लेकिन इस केस में हम जिस दिन वो इंडिया से बाहर जा रहा है और जिस दिन वो शिप इंडिया के अंदर आ रही है वो दिन इंडिया में काउंट
नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट सर, जिस दिन शिप इंडिया से बाहर गई और जिस दिन शिप इंडिया के अंदर आ रही है, ये वाला पीरियड भी ऑब्वियसली इंडिया में काउंट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा आप कॉन्सेप्ट को समझना। इन केस ऑफ मेंबर ऑफ इंडियन शिप फॉलोइंग पीरियड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टे इन इंडिया। कौन सा पीरियड हम इंडिया में स्टे नहीं मानेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे? सर जिस दिन शिप इंडिया से बाहर गई और जिस दिन शिप इंडिया के अंदर आई, इसके बीच का पीरियड हम इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। और साथ साथ डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल भी इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो कौन सा पीरियड काउंट नहीं करोगे इंडिया में, स्टार्ट कब से होगा, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू कंटीन्यूअस डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग एलिजिबल वोएज। सर ये क्या बोल दिया आपने? वोएज का मतलब होता है जर्नी, जॉइनिंग द शिप फॉर एलिजिबल जर्नी, और कंटीन्यूअस डिस्चार्ज मतलब अपनी ड्यूटी करने, आप जा रहे हो शिप के अंदर, और किस दिन वो चीज होगी, एंड कब होगा, कौन सा कहां से लेके कहां तक का दिन काउंट नहीं करोगे, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप। साइनिंग ऑफ का मतलब शिप वापस आ गई और आपकी ड्यूटी खत्म होगी। बोलते हैं ना लोग नॉर्मली साइनिंग ऑफ ये वो, साइनिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि मेरी ड्यूटी खत्म होगी, और खत्म कब होगी, जिस दिन शिप वापस आएगी। इसका जो हिंदी में कॉन्सेप्ट है वो ये हिंदी में कॉन्सेप्ट क्या है, 1/4/17 से वापस है, समझो 31 मार्च 18 के बीच की मैं बात कर रहा हूं। मान लो इस दिन इंडिया से शिप बाहर गई और इस दिन शिप इंडिया के अंदर आई है, तो ये पीरियड हम इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो पीरियड होगा वो इंडिया में काउंट करेंगे, और उसके डेज हम सिर्फ कौन से देखते हैं, 182 डेज वाले हम पॉइंट चेक करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? सर पीछे एक वर्ड लिखा था एलिजिबल वोएज। एलिजिबल वोएज का मतलब होता है एलिजिबल जर्नी। एलिजिबल जर्नी का मतलब किस जर्नी में सरकार ये बात अप्लाई कर रही है, किस जर्नी में। देखो एलिजिबल वोएज का मतलब जब आपकी शिप किसी इंडियन पोर्ट से कहां जा रही है, आउटसाइड इंडिया, या फिर एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया से कहां आ रही है, इंडियन पोर्ट में आ रही है, तो वो एलिजिबल जर्नी है, मतलब वहां पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई कोस्टल शिप है, कोस्टल शिप का मतलब होता है जो जर्नी इंडिया के किसी पोर्ट से इंडिया के ही किसी पोर्ट के अंदर जा रही है, तो वो सारा पीरियड कहां काउंट करोगे, इंडिया में, क्योंकि वो शिप कहां पे है, इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर तो वो गई ही नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई होता है, जिन शिप्स पे या जिन शिप का ट्रैवलिंग इंडिया से बाहर होता है, ये कॉन्सेप्ट वहां के लिए एप्लीकेबल है। और जो लोग उस शिप में काम करते हैं उनका स्टे इन इंडिया काउंट नहीं होगा, किस दिन से किस दिन तक, जिस दिन शिप इंडिया से बाहर गई और जिस दिन शिप इंडिया के अंदर आई, इसके बीच का पीरियड उनका स्टे इन इंडिया में काउंट नहीं होगा। और साथ साथ डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल भी इंडिया में काउंट नहीं होगा, लेकिन बट काउंटेड इन नॉर्मल केसेस में ये पीरियड इंडिया में काउंट, डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल इंडिया में काउंट होता है, जो हम आज तक करते आए हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? सर इंडिया का मतलब बता दो, वैसे तुम्हारे लेवल की बात है नहीं लेकिन फिर भी बता देते हैं। इंडिया के अगर हम बात के पानी की बात करें, इंडिया के बाहर जो पानी शुरू हो जाता है, तीनों तरफ जो पानी शुरू हो जाता है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इज कॉल्ड एज ITW, इंडियन टेरिटोरियल वॉटर्स, एंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इज कॉल्ड एज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया के अंदर पूरा 200 नॉटिकल माइल्स शामिल होता है, मतलब हम कब मानेंगे शिप इंडिया से बाहर गई, इंडिया से बाहर शिप कब गई, जब उसके लैंड मास को पार किया, या लैंड मास के बाद 200 नॉटिकल माइल्स को पार किया, 200 नॉटिकल माइल्स को पार किया तो मानेंगे शिप इंडिया से बाहर गई है। जीएसटी में ये पॉइंट भी दोबारा आएगा, जीएसटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया। अभी सर एक रिफाइनरी है, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है जो समुद्र के नीचे से पेट्रोल या कुछ रिफाइन ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, लेकिन ऑब्वियस बात है वो समुद्र में उसने रिफाइनरी लगा रखी है, और वो समुद्र इंडिया के लैंड मार्क से 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर है। अभी वहां पे एक मशीनरी में खराबी आ गई, एक इंजीनियर गया वहां पे उसकी मशीन को ठीक करके आया, वो अपने बिल में जीएसटी चार्ज करे या ना करे, उसने सर्विस कहां दी, इंडिया में दी है या नहीं दिया, एंड जीएसटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया, तो वो इंडिया का पार्ट है, क्योंकि लैंड मार्क के बाद 200 नॉटिकल माइल्स भी इंडिया का पार्ट माना जाता है। तो अगर वो मशीनरी वहां खराब हुई और उसमें वहां पे एक इंजीनियर सर्विस दे के आया है, तो अपने बिल में जीएसटी चार्ज करेगा, अगर उसकी सर्विस पे जीएसटी लगता होगा तो, बिकॉज सर्विस इज गिवन इन इंडिया। ये बात मैं अलग मुद्दे पे चला गया। सर क्या जमीन के बाद पानी में, तो आपने बोल दिया 200 नॉटिकल माइल्स, क्या एयर में भी स्पेस होता है इंडिया का? इंडिया के लैंड मास जहां खत्म होता है वैसी हवा में भी 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया का स्पेस मान लिया जाता है। पाकिस्तान का कोई हेलीकॉप्टर 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है, उनकी जो बाउंड्रीज बनी हुई है वहां पर, जैसे इंडिया की बाउंड्री जहां पे भी खत्म हुई
उसके 200 नॉटिकल माइल्स के अगर अंदर भी पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आएगा तो उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए वो बार्स लगे होते हैं, सैटेलाइट लगी होती है ये चेक करने के लिए कि हमारे एयर स्पेस में भी कोई ना घुसे। लैंडमार्क की बात तो दूर की है, एयर स्पेस में भी हमारे कोई नहीं घुसना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया। ये बहुत एक लंबी चेन है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बहुत सारी चीज होती है, मैं सर चलो छोड़ो डिटेल में नहीं जाता, अगर कोई एरोप्लेन भी हमारे इंडिया के स्पेस से ऑस्ट्रेलिया से फॉर एग्जाम्पल उसको मान लो अमेरिका जाना है, अगर वो वाया इंडिया जाता तो बहुत रायते फैल जाते हैं, बहुत सारे जीएसटी के कॉम्प्लिकेशन और बहुत कुछ आ जाता है। तो इसलिए ये लोग ऐसे रडार के थ्रू जाते हैं कि मुझे इस कंट्री के एयर स्पेस में भी नहीं घुसना, तो इसलिए वो रडार फॉलो करते हैं एरोप्लेन वाले। खैर छोड़ो, हमें उसमें नहीं जाना, हमें इस कॉन्सेप्ट को नोट करना, हम इनकम टैक्स बढ़ रहे हैं। आओ जरा, हो गया जी नोट, हो गया यहां तक।
आईटीडब्ल्यू बोल, आईटीडब्ल्यू की डेफिनेशन है आईटीडब्ल्यू, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं इसको, 12 नॉटिकल माइल्स तक, एंड 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.856 किलोमीटर। ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, 200 नॉटिकल माइल्स इज ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एनएम इज इक्वल टू नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, चले जी हो गया नोट यहां तक, इसके बाद डाल दे जी दी एंड, ये चैप्टर हो गया जी समाप्त आपका कॉन्सेप्चुअली। इंडियन टेरिटोरियल वॉटर्स, चलिए जी हटा दूं इसको। अब आओ जी जरा क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ, कल हम लोगों ने आओ जी प्रॉब्लम, आओ जी कॉपी खोल लो, क्वेश्चन बैंक कल वाले होमवर्क वाले डिस्कस करेंगे, रास्ते में आ जाएंगे, अभी बीच के शुरू करते हैं जो मुझे आज कराने हैं। लिखो जी प्रॉब्लम नंबर थर्ड, पेज नंबर 21, क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, पेज नंबर 21, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड पेज नंबर है जी आपका 21, जरा अपनी कॉपी खोल लें और कॉपी में लिख लें, ये लिख के करेंगे, अच्छा सवाल है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड पेज नंबर 21 निकालो जी, पेज नंबर 21 निकालो, शुरू करें जी। मिस्टर डेविड अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जरा सर्कल में डाल लें आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस बात से कुछ बातें उठ जाएंगी। सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31/3/19, 31/3/19 को इंडिया छोड़ के गया पहली बार, ड्यू टू इज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कैनेडा, ट्रांसफर हो गई है परमानेंट, कहां पे, हाई कमीशन ऑफ कैनेडा में। ही डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग एनी टाइम प्रीवियस ईयर 19/20 में इंडिया में वापस आया ही नहीं है। ही हैज रिसीव द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, पहला सवाल जो डेविड भाई साहब है, अगर मैं बात करूं 18/19 की, तो ये 19 को देश छोड़ के गया 31/3/19 को, और 19/20 में एक भी दिन इंडिया में नहीं आया, तो 19/20 के लिए अगर मैं, 19/20 प्रीवियस ईयर है, अगर इसके लिए मुझे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना हो तो नॉन रेजिडेंट हो गया, क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर भी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया आउटसाइड इंडिया, पॉइंट क्लियर हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, एक भी दिन इंडिया में नहीं है। अब नॉन रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, या तो अक्रूड इन इंडिया होनी चाहिए या रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए, यही पॉइंट है। अब आपको बताना है, इसकी पांच इनकम गिवन है, आपको बताना है कौन सी टैक्सेबल है कौन सी नहीं है। पहला पॉइंट, सैलरी, सैलरी टैक्सेबल है या नहीं है, अभी अभी पढ़ा इसका पॉइंट, बताओ कैसा। अदर केसेस का सेकेंड पॉइंट क्या था, अदर केसेस का सेकेंड पॉइंट, सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये आ गया। अब ये अक्रूड इन इंडिया नहीं है,
ये डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया की वजह से एनआर के लिए टैक्सेबल हो गया. पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये टैक्सेबल हो गया. फॉरेन अलाउंस, इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी इतना समझ लो ये एग्जेम्प्ट इनकम है. एग्जेम्प्ट चैप्टर में आएगी, इसके बारे में आपको हल्का फुल्का बता देता हूं. अलाउंस का मतलब होता है कुछ कैश में देना अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा. और अलाउंस का नाम क्या है? फॉरेन अलाउंस. क्योंकि उस बेचारे की हमने ट्रांसफर कहां कर दिया है? फॉरेन में. तो सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हम उसको कैश दे रहे हैं, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो हमने उसको अलाउंस दे दिए. सरकार कहती है एक तो हमने इस बेचारे की फैमिली से हटा के इसकी ट्रांसफर कर दी है कैनेडा में, और ये हमारे कहने पे जा भी रहा है, तो इसको हम थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं जस्ट टू मोटिवेट हिम, और इस इनकम पे हम इससे टैक्स नहीं लेंगे. अगर हम उस इनकम पे टैक्स देंगे फिर रोएगा, एक तो मुझे ट्रांसफर कर दिया फालतू में, ऊपर से मेरी फैमिली से मैं अलग जा रहा हूं, कुछ एहसान करके हल्के फुल्के पैसे दे रहे हो, उस पर भी तुम मेरे से क्या ले रहे हो? टैक्स. तो गवर्नमेंट ने फॉरेन अलाउंस को क्या करा हुआ है? एग्जेम्प्ट किया हुआ है. पॉइंट समझ आया? क्यों किया? रीजन कि हमने बेचारे को ट्रांसफर कर दिया इसलिए उसकी इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे. और ये कहां पढ़ोगे सारी बातें? सैलरी चैप्टर में. इट इज लिंक्ड विद सैलरी. अलाउंस इज लिंक्ड विद सैलरी, बट अभी तुम्हें पता होना चाहिए एग्जेम्प्ट इनकम. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया. बैंक कहां पे है? इंडिया में. उस पर उसको एफडी कराई, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है. टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल. एनआर के लिए सर कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? तो एक्रूड होनी चाहिए या रिसीव्ड होनी चाहिए? ये कौन सी इनकम है सर? ये एक्रूड भी है और रिसीव्ड भी है. एफडी का जो ब्याज आ रहा है उसी अकाउंट में ही तो आएगा, और वो अकाउंट कहां पे है? इंडिया में. तो रिसीव्ड भी कहां हो रही है? इंडिया में. एक्रूड भी इंडिया में, तो ये भी टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? क्यों सर? एनआर है ना. एनआर की तो एक्रूड इन इंडिया होनी चाहिए या रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए? ये इनकम एक्रूड इन इंडिया है क्या? नहीं है. ये एक्रूड इन इंडिया नहीं है, और ना ही फिर रिसीव्ड भी इंडिया में होगी. हम ये मान लेते हैं, ऐसा हमने माना, ऐसा हमने लिखा नहीं है कि रिसीव कहां पे है, लेकिन जब एक्रूड इंडिया में नहीं है तो हम इसको ये मान रहे हैं कि वो रिसीव्ड भी इंडिया में नहीं होगी, तो इसको हमने टैक्सेबल नहीं किया. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान में. हाउस प्रॉपर्टी है टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल? काहे? क्यों? प्रॉपर्टी कहां है? पाकिस्तान में. आउटसाइड तो एक्रूड भी आउटसाइड और रिसीव भी आउटसाइड, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगी. तो कौन कौन सी टैक्सेबल होगी? एक 5 लाख और एक 1 लाख. अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? जरा नीचे आंसर पढ़े आप इसका पहले. देखो इस आंसर में आप मुझे बताओ, चलो देखते नहीं, आप मुझे बताओ, दो चीजें बतानी जरूरी थी कि पहली बात तो वो व्यक्ति है क्या, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप उसकी इनकम टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल करोगे. वो व्यक्ति है क्या? नॉन रेजिडेंट. और वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट क्यों है, उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा. पहले आप लॉ बताओगे कि लॉ के हिसाब से व्यक्ति रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कब कहलाता है? जब 182 या 60 डेज में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है. फिर अपने केस से लिंक करो, क्योंकि हमारे इस डेविड ने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसलिए ये व्यक्ति क्या है? नॉन रेजिडेंट. ये तो हमने बता दिया कि वो नॉन रेजिडेंट है. फिर सेकंड पॉइंट में क्या बताओगे? क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है इसीलिए इसकी सिर्फ कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? जो या तो एक्रूड इन इंडिया होगी या फिर रिसीव्ड इन इंडिया होगी. तो उसके बेसिस पे इसकी यही इनकम टैक्सेबल होगी. उसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे और लास्ट में हम नोट्स बनाएंगे. नोट्स क्यों बनाते हैं? कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल क्यों हुई, ये क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुई, सबके बारे में रीजन आपको नोट्स में देने हैं. तो देखो जरा इसका आंसर देखो एक बार. वैसे एक काम करो, देखो मत, ट्राई करो जैसे हमने लास्ट क्लास में लिखा था. पहले लॉ लिखो, फिर अपने केस से लिंक करो. इसको नॉन रेजिडेंट तो बनाओ, उसके बाद की बातें करते हैं. इसको पहले अपने आंसर में नॉन रेजिडेंट तक लेके आओ कि नॉन रेजिडेंट है ये व्यक्ति. इसका आंसर कैसे लिखोगे? हमने लिखा इसका आंसर है, यहां तक तो हमने सीखा है आंसर कैसे लिखेंगे. पहले लॉ लिखोगे फॉर बीइंग रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, उसकी कंडीशन क्या होती है वो कंडीशन लिखोगे. अपने आप ट्राई करो. प्रेजेंटेशन का भी क्योंकि खेल है, आंसर तो समझ में आ गया लेकिन प्रेजेंटेशन का भी खेल है.
नीचे नोट्स बना के ना कि ए पॉइंट बी पॉइंट या ये इनकम क्यों नहीं आई, ये इनकम क्यों आई, वो नोट्स में आप दे सकते हो नीचे। चले जी, हो गया यहां तक। चले जी, हो गया यहां तक, हो गया। एक आध बार अपने हाथ से आंसर और लिखोगे ना तो लिखना आ जाएगा आंसर। मेन खेल लिखने का ही है, अभी अपने को तो आ गया समझ में, लेकिन एग्जामिनर को भी समझाना है कि हमने क्या किया और क्यों किया। चले आगे चले, प्रॉब्लम नंबर 4 कल होमवर्क में थी, हो गई। ये वैसे हमने क्लास में भी किया था कि एक प्लेयर है जो 100 दिन के लिए आता है, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। 182 डेज वाली तो सेटिस्फाई होगी नहीं, 60 दिन वाली हो जाएगी। तो रेजिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि 7 में से 730 दिन होगा नहीं, 7 साल में 700 दिन हो पाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, हमने कल किया नहीं था, आओ जरा देखें, इंपॉर्टेंट सवाल है फिफ्थ, लिखो जी कॉपी में लिखो। प्रॉब्लम 5 पेज नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 23 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जी, मिस विविता पेड अ सम ऑफ 5,000 USD टू मिस्टर के, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो। विविता ने मिस्टर के को 5,000 USD पे किए स्पेशलाइजिंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ध्यान से समझना, मिस वी ने के को 5,000 USD पे किए, जो कि जो के है वो कहां प्रैक्टिस करता है, कोलंबो में, और उसको उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किसमें, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में। द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो, और पेमेंट भी कहां की गई है, कोलंबो में। इसका मतलब क्या है, जो कुला सेकड़ा है, जो मिस्टर के है, वो कोलंबो में प्रैक्टिस करता है और कोलंबो में उसको पेमेंट हुई है। लेकिन के है भी क्या, नॉन रेजिडेंट। अब एक नॉन रेजिडेंट जो मिस्टर के है उसको इनकम हुई है, किसने उसको पे किया, विविता ने पे किया, और पेमेंट भी कहां की है, कोलंबो में, और वो प्रैक्टिसिंग भी कहां कर रहा है, कोलंबो में। लेकिन कुलसेकड़ा है भी क्या, नॉन रेजिडेंट। अगर इसके आगे की लाइन कुछ ना लिखी हो तो एक एनआर की इनकम ये वाली इंडिया में टैक्स करोगे या नहीं करोगे, क्यों सर, एक रूट भी आउटसाइड है और रिसीट भी आउटसाइड है। लेकिन इस भाई ने जो सर्विस दी है, कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया विद पॉसिबल सिलोनीज कोलैबोरेशन, इसका कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे की बात क्या है, जो इसने सर्विसेज दी है वो सर्विसेज कहां दी है, इंडिया में। तो इज द पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर के, सिंस सर्विसेज वर used in India। अब इसके आगे की लाइन ने इस पूरे सवाल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, डीम्ड टू accrued इन इंडिया के अदर केसेस के लास्ट के तीन पॉइंट, इंटरेस्ट,
रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट, बट द सर्विसेज मस्ट बी यूज या फिर सर्विसेज मस्ट बी रेंडर्ड इन इंडिया। तो ये इनकम क्या हो जाएगी, डीम टू एक्रूड इन इंडिया, और अगर ये डीम टू एक्रूड इन इंडिया है तो मिस्टर के के लिए इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, आओ जरा देखो। अब देखो पहले हमने क्या बताया कि एनआर, सर हमने इसमें ये क्यों नहीं एक्सप्लेन किया कि ये एनआर है या आर है, क्योंकि सवाल ने खुद ही बताया आपको कि क्या है ये एनआर, तो आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एनआर की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, या तो वह एक्रूड होनी चाहिए या फिर डीम टू एक्रूड इन इंडिया होनी चाहिए या रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए, यही टैक्सेबल होती है। द इनकम रिलेटेड टू सेक्शन 9, फिर सेक्शन 9 जो हमने पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं इनकम डीम टू एक्रूड इन इंडिया, वो सेक्शन 9 है, वो आपको बता रहा है। देखो जो हमारा लॉ है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इंक्लूड्स कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विसेज, पेमेंट फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिस कवर्ड विद इन द स्कोप, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ये जो सर्विसेज है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये उस पॉइंट में कवर हो जाएगा। एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया इन केस ऑफ अ एनआर, और वो जो सर्विसेज है वो इंडिया में अगर यूज हो रही है, उस सर्विसेज के अगेंस्ट अगर आप किसी को फी पे कर रहे हो तो वो फीस इंडिया में डीम्ड टू एक्रूड मान ली जाएगी एंड शुड बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, और उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। वेदर और नॉट सर सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इंडिया, वेदर और नॉट द नॉन रेजिडेंट हैज रेजिडेंस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कह रहा है चाहे वो सर्विस रेंडर नहीं की गई इंडिया में, लेकिन अगर उसका यूज, हमने वहां वर्ड क्या पढ़ा था, या तो यूज होना चाहिए या सर्विस रेंडर होनी चाहिए, इन दोनों में से अगर एक काम भी इंडिया में हो रहा है तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज डीम टू एक्रूड इन इंडिया मान ली जाएंगी। इस केस में सर्विस उसने दी नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल यूज कहां हो रहा है, इंडिया में, तो हम यही पॉइंट तो लिख रहे हैं कि क्योंकि सर्विस का जो यूज है वो इंडिया में हो रहा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर्विस रेंडर कहां हुई है, एक काम तो इंडिया में हो ही रहा है ना, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि एनआर का बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है, क्योंकि वो तो बिजनेस कनेक्शन हो चाहे ना, उससे फर्क है ही नहीं, वो तो उस पॉइंट में कवर हो ही गया। इन द इंस्टेंट केस सिंस द सर्विसेज वर यूटिलाइज्ड इन इंडिया द पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर के अ नॉन रेजिडेंट इन कोलंबो इज चार्जेबल टू टैक्स इन हिज हैंड्स इन इंडिया, और फिर वो इनकम इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, एट एज इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रूड मान ली जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है आज का, इसका होमवर्क मार्क करो, एक बार घर जाके दोबारा रीड करना और इसको फिर अपने हिसाब से लिखना, अपने आप लिखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आ चुका है एक आध बार। कहानी क्लियर हो गई, नेक्स्ट सवाल नंबर 6 कल का होमवर्क था, हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी कल का होमवर्क था, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये आपसे इंग्लिश में पूछा गया, अगर आप देखो इंग्लिश में पूछा गया कॉन्सेप्ट कि बताओ HUF पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसका डायग्राम तो हमने बनाया ही था, बस उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना था, कॉन्सेप्ट पूछा गया। नेक्स्ट आओ जी करें जरा इसको, मिस्टर डी अ नॉन रेजिडेंट रिजाइडिंग इन यूएस सिंस 1990, एक मिस्टर डी है जो यूएस में रहता है, कब से, 1990 से यूएस में रहता है, केम बैक टू इंडिया ऑन 1/4/18 फॉर परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट विल बी रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021, क्या बोल रहे हैं जरा बताओ मेरे को, 1/4/18 को ये इंडिया में आया है, 31/3/19 और 31/3/20 बोल रहे हैं इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ दोनों सालों के लिए, इस साल के लिए 18/19 के लिए क्या बन जाएगा, ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि 182 वाली तो सेटिस्फाई हो जाएगी लेकिन 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल वाली नहीं होगी। सिमिलरली इससे अगले साल में भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, क्यों सर, 182 वाली तो सेटिस्फाई हो जाएगी लेकिन पिछले 7 साल में 730 दिन और 10 साल में कोई भी 2 साल, वो दोनों वाली सेटिस्फाई नहीं होगी, तो दोनों ही केसेस में ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड, ये देखो दोनों ही सालों में ये क्या बन गया, रेजिडेंट बट
नॉट ऑर्डिनरी रीजन, और दोनों का एक्सप्लेन करना हमें आता है। पहले आप लॉ बताओगे, फिर अपने केस से उसको लिंक करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब देखो क्या बोल रहे हैं, स्टेट द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन इनकम फ्रॉम विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये आपसे पूछा गया, नो बिजनेस कनेक्शन इफ, जो हमने लास्ट टॉपिक लिखा ना कि किन केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं होता, और जिन केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं होता उन केसेस में क्या इनकम एक्रूड इन इंडिया मान ली जाती है? नहीं, वो डीम टू एक्रू आउटसाइड इंडिया मानी जाती है। तो वो आपसे पूछा है, ये आपसे इनडायरेक्टली नो बिजनेस कनेक्शन इफ, वो वाला टॉपिक आपसे इंग्लिश में पूछा गया है। ये सब चीजें एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, ऐसा पेपर में नहीं आते कोई भी सवाल। नेक्स्ट आओ जी, इसके बाद सवाल नंबर 10 आज का आपका होमवर्क है, रीड है, सिर्फ रीड वाला सवाल है कि इंडिविजुअल आर वार या आर एन वार कब माना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी आपका आज का होमवर्क है और रीड है, ट्रू फॉल्स है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है सिर्फ ये। ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट मार्क करें और अभी करेंगे हम, ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और अभी करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखो, ये सारे अलग अलग हैं, आपको सबको रीजन के साथ बताना है कि इंडिया में इन पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सैलरी पेड टू मिस्टर डेविड, सिटीजन है इंडिया का, 15 लाख उसको सैलरी मिलती है, लेकिन दे कौन रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कैनेडा। सर अभी तो डेविड पे पूरा सवाल करके आए हैं, अभी डेविड पे पूरा सवाल करके आए, उस सवाल की पहली लाइन है ये। इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? होगी। किस वजह से होगी? अभी पढ़ा था ना, डीम टू अदर केसेस का सेकंड पॉइंट, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो डीम टू एक्रू टू इंडिया है, उस कारण टैक्सेबल। दूसरा, लीगल चार्जेस ऑफ 7.5 लाख पेड टू मिस्टर जॉनसन, जो कि लॉयर है लंदन का, एक लंदन का लॉयर है जिसको हमने 7.5 लाख दिए लीगल चार्जेस, उसने कोई हमारे लिए केस लड़ा होगा, लेकिन हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट द केस एट सुप्रीम कोर्ट। केस लड़ा कहां है? इंडिया में। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल, क्योंकि एक्रूड इन इंडिया है। सर्विसेज कहां है? इंडिया में सर्विसेज दी है। पॉइंट क्लियर हो गया? इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये कहां आएगा? फीस फॉर टेक्निकल, आप उसे फीस, वो आपसे फीस ले रहा है, आपको टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, और वो सर्विसेज कहां दे रहे हैं? इंडिया में दे रहे हैं, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, तो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, रॉयल्टी पेड टू राजीव अ नॉन रेजिडेंट बाय मिस्टर मुकेश अ रेजिडेंट फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन श्रीलंका, नॉन टैक्सेबल, क्यों? सर्विसेज कहां दी जा रही हैं? अभी अब मैं आपको दोबारा से टॉपिक पढ़ाता हूं, इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेड बाय गवर्नमेंट होने चाहिए या पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या फिर, लेकिन सर्विसेज का यूज और रेंडर इंडिया में होनी चाहिए, तो इन तीनों में से पे तो बीच वाला व्यक्ति कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पे तो कर रहा है, लेकिन उसका सर्विस कहां दी जा रही है? आउटसाइड इंडिया। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस कारण से क्या हो गया? नॉन टैक्सेबल, बिकॉज ये डीम टू एक्रूड नहीं है। मैं बस इतना सा बोलना चाहूंगा इस केस में, जो हमने कॉपी में लिखा है ना, ये कि जो सर्विस का यूज है या सर्विस है वो इंडिया में होना चाहिए, ये पॉइंट तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ये पॉइंट सिर्फ इसके लिए नहीं है, कहीं दिमाग में लोगों के जाता है, ये कैसे लिखा गया दोबारा समझना, इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल बाय, अगर पेबल किए इन तीनों ने, लेकिन वो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी अगर, इन तीनों ही केसेस में पॉइंट क्या है कि उसका यूज या सर्विस का होना चाहिए इंडिया में होना चाहिए। तो ये हमारे एग्जांपल में जो मिस्टर मुकेश है उसने पे तो कर दिया, वो क्या है? रेजिडेंट तो है, बीच वाला व्यक्ति तो है, लेकिन वो सर्विस कहां दी जा रही है? श्रीलंका में, तो ये आउटसाइड इंडिया हो गया, तो ये क्या हो गया? नॉन टैक्सेबल। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये इसको होमवर्क मार्क करो, मिस्टर बिंदु वाला, ये अलग सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का सवाल है, मिस्टर बिंदु, ये मिस बिंदु वाला जो सवाल है एग्जाम में आया हुआ है, पढ़ लो, वैसे 2 मिनट का ही सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मिस बिंदु आ नॉन रेजिडेंट एनआर है, जो न्यूयॉर्क में रहती है 1990 से, इंडिया आई है 19 फरवरी 2018 फॉर परमानेंट सेटलमेंट, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना, अभी सेम ही सवाल है, ये कैसे क्या बन जाएगी?
आर एन ओ आर क्यों 182 दिन वाली तो सैटिस्फाई हो जाएगी लेकिन दूसरी वाली सैटिस्फाई नहीं होगी, 7 साल में 730 दिन वाली। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट होमवर्क रीड, और रीड वाले सवाल मान के चलना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते रीड वाले जितने भी मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट 14 इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है। आओ जी यहां से ना उस वर्ड में आपको एक वर्ड याद दिलाता हूं। एक व्यक्ति इसमें दो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा बेस क्लियर करता हूं। एक व्यक्ति अगर परमानेंट सेटलमेंट के लिए बाहर जा रहा है इंडिया छोड़ के फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वहां पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी जॉब या बिजनेस करने के लिए, दोनों काम, वो वर्ड का मतलब मैंने यहीं से निकाला था। आओ जरा देखो, मिस्टर सोहम एक इंडियन सिटीजन है जिसने इंडिया छोड़ा है कब, 20/4/17 को फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर फर्म इन सिंगापुर। इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है, बाहर जॉब करने जा रहा है, अपना बिजनेस करने जा रहा है, वो पॉइंट में फॉल कर गया ना। इंडियन सिटीजन है जो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इस व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए मैं सिर्फ पहली कंडीशन देखूंगा, 182 दिन वाली, 60 वाली देखूंगा ही नहीं। ऑन 10/4/19 को वो इंडिया में एंटर करता, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एलके लिमिटेड इन इंडियन कंपनी। इंडिया से बाहर तो चला गया, इसने वहां अपनी सॉफ्टवेयर फर्म बना ली, फिर इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ, एलके लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइन टू सेटअप एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इन फरीदाबाद। मतलब इसने सॉफ्टवेयर फर्म बनाई, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, कहां से, अपने देश से कॉन्ट्रैक्ट मिला, एलके लिमिटेड इसके पास गई और बोलती है कि हमारे को एक अपना प्लांट सेटअप करना, उसके तुम टेक्निकल डॉक्यूमेंट तुम ही बनाओगे, सारा सेटअप तुम ही करोगे। ही रीच्ड इंडिया, इंडिया आ गया अपनी टीम के साथ सर्विसेज देने के लिए। इंडिया कब आया है, 15/5/19 को इंडिया आ गया अपनी टीम के साथ और उसने अपना एग्रीमेंट असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया 20 को, और इंडिया छोड़ के चला गया कब, 21 को इंडिया छोड़ के चला गया। ही चार्ज 50 लाख फॉर द सर्विसेज फ्रॉम एलके लिमिटेड, से उसने कितने पैसे लिए, 50 लाख रुपए लिए। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सोम, पहले तो उसका स्टेटस बताओगे कि वो इस साल में क्या था, और उसके बाद उसकी टैक्सेबिलिटी एक्सप्लेन करोगे, जो एलके लिमिटेड से 50 लाख मिले हैं वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे। सर वो तो देखो टैक्सेबल है ही है, उसका रीजन तो खत्म ही हो गया, अगर वो व्यक्ति इंडिया आके सर्विसेज दे रहा है तो वो सर्विसेज रेंडर्ड कहां पे है, इंडिया में, वो टैक्सेबल तो है ही, चाहे ये व्यक्ति आरओआर हो, चाहे ये व्यक्ति आरएनओआर हो, चाहे ये व्यक्ति एनआरओ, टैक्सेबल तो वो 50 लाख है ही। लेकिन अब आपको क्या बताना है, ये व्यक्ति है क्या सर, इसके ना हम दिन पता है गिनने शुरू करेंगे कहां से कहां तक। देखो इंडिया कब आया है अपनी टीम के साथ, 15/5/19 को इंडिया आया, अगर मैं 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक की बात करूं तो ये 15/5/19 को इंडिया आया है, और इंडिया से जा कब रहे, 21/8 को उसने इंडिया छोड़ा, ये बात ध्यान रखना, 20/8 को उसका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है, उसके बाद वो बोल रहा है ही लेफ्ट फॉर सिंगापुर ऑन 21/8 को, तो इसके बीच के दिन काउंट करोगे, और अगर ये 182 दिन से ज्यादा नहीं हुए तो नॉन रेजिडेंट, और इसकी दूसरी कंडीशन तो हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये एक्सेप्शन वाले केस में फॉल कर चुका है, इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा चुका है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसके कौन सी कंडीशन चेक करोगे, सिर्फ 182 डेज वाली, जो सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये व्यक्ति क्या बन जाएगा, एनआर, और उसके बाद एनआर बनने के बाद एनआर की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, या तो एक्रूड इन इंडिया होनी चाहिए या रिसीव्ड इन इंडिया होनी चाहिए। ये डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया है, डीम्ड क्यों है, क्योंकि इसको फीस मिल रही है फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच आर रेंडर्ड इन इंडिया। पॉइंट क्लियर हो गया, ये दिखने में सुनने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन के लिए आपके इसके नीचे, इसलिए हर केस के नीचे आपको आंसर गिवन है कि सर समझ में तो आ गया लेकिन इसको लिखना कैसे है, ये लिखने के मेन नंबर मिलेंगे, जब तक आपने दिखाओगे नहीं कि मुझे सब आता है अच्छे से नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं टेक्निकली। अब इसमें देखो आपसे जनरल देखा जाए तो क्या क्या पूछा गया, क्या क्या पूछा गया, पहले तो ये पूछा गया कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, उसमें भी एक्सेप्शन वाला केस है, उसमें भी एक्सेप्शन वाला केस है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, उसका लॉ से पूछा गया, उसमें भी ये डीम्ड वाले केस के अदर केसेस का लास्ट वाला पॉइंट है, फीस फॉर टेक्निकल सर वो आपको बताना है, और उसके बाद सारी चीजों को लिंक करते हुए अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। 5 मिनट का टाइम है, इस आंसर को रीड करो एक बार।
इस आंसर को रीड करो अपने पास, और ये इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूं, मतलब ये मान के चलना पेपर से एक दिन पहले ये वाले सवाल तो घोट के पीने ही है, इंपॉर्टेंट वाले ऐसी एग्जाम में आते हैं। परमानेंटली, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, उसने मुझे बोल दिया 10 दिन का या 20 दिन का, महीने का, 6 महीने का असाइनमेंट है, आप बाहर चले जाओ फिर इंडिया आ जाना, तो ये उस एक्सेप्शन वाले केस में फॉल नहीं करेगा। जहां पे जरूरी होंगे मैं याद कराऊंगा, अभी जरूरत नहीं है इसमें, इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में पीजीबीपी सैलरी वो मेन चैप्टर है, वहां पे जरूरत पड़ेगी, वहां करेंगे याद, डिडक्शंस के टीडीएस के मेन चैप्टर्स में जरूरत पड़ती है, वहां इसकी जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल घटिया टूचा चैप्टर है, एकदम आसान, इसमें जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये होगा अप्रोक्सीमेटली 4 या 6, 4 या 6 नंबर का, अभी एग्जाम में आया हुआ है, पीछे आपको मिलेगा पास अटेम्प्ट के सवालों में। चलो जी, क्लियर होगी कहानी, और डेली का डेली बस जो क्लास में हो रहा है उसको घर जाके रिवाइज जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना, पहली बार चीज पढ़ रहे हो। एटलीस्ट ऑब्वियसली यू आर, आप पहली बार इस चीज को अपनी लाइफ में पढ़ रहे हो, तो चीजों को रिटेन करने के लिए बहुत बार रिवीजन चाहिए आपको, अभी बहुत बार। सर जो 12th में पढ़ा था वही फाउंडेशन में याद नहीं था, वो तो 1 साल पढ़ा था, वो फाउंडेशन में भूल गए थे 1 साल पढ़ने के बाद, तो 1 दिन पढ़ने के बाद आपको नवंबर तक याद रहेगा, ऐसी पक्की बात, खत्म हो जाएगा ये बात, मतलब ये कन्फर्म है आप भूल जाओगे, और उसका एक ही तरीका होता है नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, घर जाके रिवाइज करो, फिर मैं आपके 3-3 चैप्टर, अभी जब ये वाली बुकलेट हो जाएगी फिर 3 चैप्टर का टेस्ट लूंगा, वापस से रिवाइज करना, तो ऐसे रिवीजन जब तक 4-5 बार नहीं करोगे याद नहीं रहेंगी चीजें। और कॉन्सेप्ट कॉपी तो ये मान लो कि रोज का टारगेट होना चाहिए कि मैं टैक्स की कॉन्सेप्ट कॉपी रोज एक बार खोलूंगा, और जितना कॉन्सेप्ट क्यूमुलेटिवली होता चला जा रहा है मैं उसको रिवाइज करता चला जाऊंगा। मेरे से लिख के ले लो, आपने 4 बार अपने आंखों के आगे से बेसिक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी निकाल लिया ना, आपको पेज वाइज याद हो जाएगा, अच्छा इसके बाद ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, याद हो जाएगा लॉ। और जिसको टैक्स का पहले तो लॉ याद हो गया कि मुझे एक एक प्रोविजन याद है, उसके लिए प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाएगा, समझ में आती है ना प्रैक्टिकली चीजें, कुछ ऐसा नहीं कि अलग पूछते हैं, लॉ ही जिसको याद नहीं है वो प्रैक्टिकल के उसके लिए तो खत्म ही है, और लॉ पेपर में आता नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट टैक्स में ही है कि अगर आपको लॉ अच्छे से आता है तो आप पेपर कर लोगे, ऐसा कुछ पक्का नहीं है, उसके बाद आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस पे पढ़ने चाहिए, तब जाके आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा टैक्स। चीजें ज्यादा है, मुश्किल नहीं है, टैक्स में चीजें ज्यादा है लेकिन मुश्किल नहीं है, ज्यादा बहुत है। चले जी आगे चले, नेक्स्ट जी 15th पे होमवर्क लिखो और रीड लिखो, आज का होमवर्क 15-16, सेवनटीन्थ पे होमवर्क लिखो और रीड लिखो, 18th पे होमवर्क प्लस रीड, 19th हमने कर लिया था, 20th आपका होमवर्क था, जरा मुझे बताएं ये 20th होमवर्क था, लेकिन अभी अभी हमने किया भी है, पढ़ लो एक बार, कल का होमवर्क था ये आपका 20th, यही अभी हमने किया, बिंदु वाला सवाल एग्जाम में आया था ये। ये हो गया था। नेक्स्ट देखो, करने हम सारे ही अपने को 21 होमवर्क एंड रीड,
आज का आपका होमवर्क है, कल इसको डिस्कस करेंगे. 22 होमवर्क एंड रीड, 23 इंपॉर्टेंट एंड राइट, और 24 इंपॉर्टेंट एंड राइट. ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मतलब ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, आपको पास अटेम्प्ट में दिख जाएगा. और 25th अगेन इंपॉर्टेंट एंड राइट. अभी जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट की है, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट याद करो क्या किया है, कि जो बंदा इंडियन शिप वाला जो शिप इंडिया से बाहर जाएगी उस दिन से लेकर जिस दिन शिप इंडिया के अंदर आएगी वो दिन आप इंडिया में काउंट नहीं करोगे उसका. देखो अभी बोल रहे हम कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज में, मतलब जिस दिन हम ज्वाइन किया हमने शिप को वो था 6 जून, और शिप इंडिया के अंदर कब आई है, साइनिंग ऑफ कब किया हमने, 9 दिसंबर. तो 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक का टाइम आप इंडिया में काउंट नहीं करोगे, उसके अलावा जो टाइम बचेगा वो इंडिया में काउंट करोगे. अगर वो 182 डेज से ज्यादा है तो बंदा रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है. इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आज लिख के करना. बस हम लोग यहीं तक करते आज. अब सुनो इसके साथ साथ का होमवर्क आपके एमसीक्यू. अब आप 1 से 50 देना कोशिश करना, जिन्होंने नहीं किए आज वो 1 से 50 की जगह 1 से 70 टिल 70, मतलब 1 to 70 आपका टोटल होमवर्क क्यूमुलेटिवली आज हो जाना चाहिए. 1 to 70, 1 to 50 तो हमने किए ही थे होमवर्क में, 1 to 70 आपका होमवर्क हो जाना चाहिए. ठीक है जी, अभी जब तक ये सारे सवाल एक बार डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते ऑब्वियसली. और लास्ट में उसके बाद आपके इसके पास्ट अटेम्प्ट के सवाल. देखो जैसे पास्ट अटेम्प्ट में ना, इसलिए लास्ट में करा रहा हूं क्योंकि आपके सारे तब तक कवर हो जाएंगे. देखो प्रॉब्लम 85 आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा. प्रॉब्लम 85 पेज नंबर 62. ये जो किया अभी कुलर सेकड़ा विविधता वाला 5000 USD अभी किया ये सवाल. आपके सारी ऐसी कंप्लीट होते चले जाएंगे जब आप सारे सवाल मेरे साथ कर लोगे ना. पहले 79 अलग है, 79 के बाद पास अटेम्प्ट. तो ऐसा तो है नहीं हमने 80 सवाल कर लिए पेपर में उसमें से एक भी नहीं आया हुआ, ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियस बात है. तो वो सारे एग्जाम के सवाल ऑलरेडी कवर है, वो पास अटेम्प्ट इसलिए डाल दिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने सारे कवर कर लिए, और उसको जब हम रिपीट करें तो हमारे मेन क्वेश्चन वापस से रिवाइज हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो वो करने हैं अपने आप, लास्ट में करेंगे. तो मिलते हैं कल. अभी हमारा एटलीस्ट 2 दिन और ये वाला चैप्टर चलेगा, एमसीक्यू सारे डिस्कस करने. सिर्फ पहले 10 और आखिरी 10 के आंसर गिवन है मैंने आपको दिए हुए, उसके बाद के कोई भी आंसर मैंने आपको दिए नहीं है ताकि आप खुद करें उसका, वरना बंदा टेपने लग जाता सीधा. ठीक है जी.